अगर मैं एक चीज़ कह सकूँ जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। चार दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं इतनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं और वो और किताबें डिस्कस कर रहे तो वो और। लेकिन मैम ये तजाद क्यों है वकला में भी, पीटीआई के वकला के अंदर कुछ कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, तो ये तजाद क्यों है आप लोगों के दरमियान? कोई तजाद नहीं है, एक सेकेंड, पता है क्या फ़र्क है, हम वजन को, वो वजन को हेल्दी समझते हैं, हम वजन को तारण ने बयान दिया है कि खान साहब माफिया मांग रहे हैं और आज के सलमान सफदर साहब के बयान के बाद उन्होंने कहा कि वो खान साहब टूटना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगी आप? देखें फिर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, आप इसके बारे में जरा पढ़ लें, ये बेचारे तब से ये हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहे हैं, आज कमजोर हो गए, आज आपके आप, मैं कह रही हूँ फिट और आप कह रहे हैं कमजोर, हाँ ये लगे हुए ना आप सारे, ब्लड प्रेशर तो उन्होंने कहा गुस्सा चढ़ गया, आपने उसको क्या कहा ब्लड प्रेशर, उन्होंने कहा मेरा मतलब था कि गुस्सा चढ़ गया, और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं टूट रहे हैं, आप यकीन करें जिस इंसान को वॉक चलने ना दिया जाए, जो हर कैदी जेल में आप जाकर पूछें अडयाला जेल में हर कैदी को इजाज़त है, और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक को वर्जिश की इजाज़त है, आपको पता है ना, तो अगर उनका ख्याल था कि वो भी बंद करके तोड़ देंगे, आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना, आप कितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह